आपका दोस्त गौरव साहू एंड वंस अगेन जैसा कि यहाँ रेगुलर रूटीन बन चुका है, अगेन आई एम एट अ टीम लंच। तो ये सारी एक्टिविटीज़ होती रहती है, बट जब से मैंने PTC ज्वाइन किया है पिछले 3 महीने में, ये आई थिंक आधा से ज़्यादा बार हो चुका है। इट्स लाइक 12th or 13th टाइम वी आर गेयर फॉर टीम लंच। और जब भी मम्मी को बताते हैं ना कि आई एम हेडिंग आउट फॉर टीम लंच, तो यही कहती है हमसे कि तुम लोग करते क्या हो वहाँ पर, तुम लोग काम करने जाते हो कि घड़ी घड़ी टीम लंच करने जाते हो, मस्ती करने जाते हो। एंड दिस टाइम वी डिसाइडेड नॉट टू गो टू एनी एक्सपेंसिव और फैंसी रेस्टोरेंट। हम लोग एक बर्गर जॉइंट पे आए हैं, दैट इज़ इन कोरेगांव पार्क वेस्टर्न के जस्ट बगल में। तो अगर आपने शॉर्ट वेस्टर्न का देखा हो तो डोंट गेट यू नो कन्फ्यूज कि हम लोग वेस्टर्न जा रहे हैं, बिकॉज इट्स अ 5-star वेस्टर्न ना जाके हम लोग उसके बगल में एक जो है छोटा सा टपरी टाइप का है जहाँ पर अच्छा बर्गर बनाया जाता है और काफ़ी फेमस है यहाँ कोरेगांव पार्क में। सो विल बी हैविंग लोड्स ऑफ चीजी बर्गर्स, फ्राइज एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। वी डन विद द लंच और भर भर के बर्गर खाया गया है। इतना बर्गर मंगा लिया गया था कि कुछ लोग तो खा भी नहीं पाए, दे जस्ट गेव अप बिकॉज आधे के बाद उनसे कुछ खाया नहीं जा रहा था। एंड नाउ वी हेडिंग टूवर्ड्स द ऑफिस, थोड़ा सा काम वाम करेंगे फिर घर। सो आई एम एट द ऑफिस नाउ एंड आई रियली कैन नॉट बिलीव कि पुणे में कब से इतनी गर्मी पड़ने लगी। इट्स 3 PM राइट नाउ और टेम्परेचर जो है इट्स शोइंग दैट लाइक 40, बट इट डजंट फील्स लाइक 40। ऐसा लग रहा है कि हम इलाहाबाद में ही हैं आज। फिर से 2 दिन से टेम्परेचर कम था, बट अचानक से कैसे टेम्परेचर बढ़ गया आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। चलो अब फिर से थोड़ा काम वाम किया जाए, उसके बाद घर की तरफ प्रस्थान करेंगे और आज के दिन ऐसे ही थोड़ा सा समाप्त किया जाएगा। वो तो शुक्र है कि यहाँ रास्तों में जो है ढेर सारे पेड़ लगे हुए हैं बड़े बड़े, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो थोड़ी सी छाँव हो जाती है धूप की वजह से, धूप में थोड़ी सी छाँव हो जाती है पेड़ों की वजह से। तो उसकी वजह से क्या है कि उस रास्ते से गुजरते थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवा मिलती है, तो मन को थोड़ा सा सुकून मिलता है।